हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जारी हुई है, बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। और रेलवे ग्रुप डी में किस पोस्ट के लिए क्या कार्य होता है, किस पोस्ट के लिए कितना काम करना होता है और क्या आपका वेतन होता है रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत, इस वीडियो में हम आप पूरा बताएंगे। और आपको जो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो किस पोस्ट को आपको पहले भरना है, कौन सी चॉइस आपको करनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वेतन से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रुप डी के लिए आपका जो जॉब लगती है उसके लिए होता है आपका एक एग्जाम जिसका नाम है CBT, अर्थात कंप्यूटर बेस टेस्ट। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, कंप्यूटर पर आपको एक टेस्ट देना होता है। 100 अंकों का आपका टेस्ट होता है। यदि 100 अंकों का टेस्ट होता है, 100 उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपका सिलेक्शन जो है इस टेस्ट के बेस पर होता है। दूसरा होता है आपका फिजिकल। देखिएगा, फिजिकल कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पर PH कैंडिडेट को लिया जाता है, अर्थात विकलांग लोगों को लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पोस्टों में क्या होता है आपका फिजिकल होता है। तो दोस्तों, फिजिकल की भी आपको यहां पर जानकारी देना चाहूँगा कि फिजिकल जो है इसका हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आपको 35 किलो वजन लेकर चलना होता है और वो भी इसका जो है समय दायरा दिया गया होता है। यदि बात की जाए इसके वेतन की, तो ग्रुप डी में आपको कितना वेतन मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या आपका वेतन हो सकता है ग्रुप डी के अंतर्गत। यदि बात की जाए 2019 की, तो 2019 से यदि हम बात करें कि 2019 तक आपको क्या वेतन मिलता है, तो देखिएगा यहाँ पर यदि बात की जाए तो 18,000 प्लस आपका वेतन होता है। 18,000 आपकी बेसिक पे होती है यहाँ पर, प्लस 1,800 रुपये आपको ग्रेड पे मिलता है जो आपको हाथों हाथ मिलता है, प्लस आपका जो है भत्ते होते हैं, भत्ते अर्थात महंगाई भत्ता, इस तरीके के भत्ते होते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा भत्ते यहाँ पर जोड़े जाते हैं। तो टोटल यदि बात की जाए तो आपकी जो सैलरी है वो 26,700 के आसपास होती है। यह जानकारी हमने जो है नए रिक्रूटमेंट के द्वारा यहाँ पर प्राप्त की, जो रेलवे विभाग में कार्यरत हुए। तो 26,700 रुपये लगभग आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है, जो एक आम वर्कर के लिए होती है जो ग्रुप डी में काम करते हैं, कोई भी हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो, ये सैलरी लगभग आपकी इतनी होती है। तो दोस्तों, ये सैलरी इतनी जो होती है वो होती है आपकी 8 घंटे की ड्यूटी के लिए। देखिएगा, ड्यूटी होती है आपकी 8 घंटे की, प्लस बीच में आपका जो है 1 घंटे का आपका लंच होता है। तो 8 घंटे की ड्यूटी के लिए आपको 26,700 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन ग्रुप डी में आमतौर पर होता क्या है कि काफ़ी कम कर्मचारी हैं, तो आपका जो ओवर टाइम है वो भी आपका काउंट किया जाता है। यदि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है लेकिन वहाँ पर कर्मचारी कम होते हैं, तो ज़्यादातर ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनके साथ यही होता है और उन्हें 12 से 13 घंटे की ड्यूटी करनी भी पड़ जाती है यदि उनकी इच्छा होती है। तो यहाँ पर अब ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई है इसकी क्या सैलरी आपको मिलती है, तो मैं बताना चाहूँगा, जब 12 महीने की सैलरी आपको मिल जाती है, 1 वर्ष पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है आपने जो एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा घंटे किए हैं, उसकी सैलरी आपको मिलती है। और यहाँ पर 4 घंटे का केवल 1 दिन काउंट किया जाता है, 4 घंटे का आपको 1 दिन की सैलरी मिलती है। तो इस प्रकार से यदि सैलरी की बात की जाए तो 2 से 3 घंटे लगभग ओवर टाइम हो जाता है। और सैलरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो 35 से 40 हज़ार प्रति माह आपकी सैलरी बन जाती है रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी के अंतर्गत, क्योंकि बाद में आपको ओवरटाइम की एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलती है। और यहाँ पर दीपावली का बोनस, दीपावली जो सभी कंपनियाँ यहाँ पर बोनस देती हैं लेकिन ग्रुप डी में नहीं मिलता, वहाँ पर आपको 1 मंथ की सैलरी मिलती है। जो आपकी 1 मंथ की सैलरी होती है वो आपको बोनस के तौर पर दी जाती है। तो यह ग्रुप डी की नौकरी इसलिए भी विशेष मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए आपका क्या काम होता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या काम है किस पोस्ट के लिए। आपको सैलरी की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ग्रुप डी से संबंधित। बात की जाए गेटमैन की,
तो केबिन मैन की, तो गेट मैन के लिए हम आपको बताते हैं कि रेलवे के जहां पर आपका जो सड़क होती है वहां पर रेलवे की तरफ से एक फाटक बनाया जाता है जिसको गेट कहा जाता है, और उसके लिए जो है एक कर्मचारी रखा जाता है ताकि जिस समय आपकी जो ट्रेन वहाँ से गुजरे उस समय गेट लग जाए और दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये कार्य होता है गेट मैन का, गेट की निगरानी करना। तो गेट की निगरानी करना अर्थात जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर ट्रेन आने वाली है तो गेट मैन क्या है आपका गेट लगा देता है। दूसरी बात करें केबिन मैन की, तो देखिएगा केबिन मैन की जॉब जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और केबिन मैन का काम होता है आपको केबिन में बैठकर जब ट्रेन आती है तो उसे झंडा दिखाने का काम होता है। यदि झंडा दिखाने का जो कार्य होता है वो होता है आपका केबिन मैन का। बात करें हॉस्पिटल और मेडिकल अटेंडेंस की, देखिएगा हॉस्पिटल और मेडिकल अटेंडेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आपकी जो है जो चिकित्सा के क्षेत्र में होती है, जहां पर भी रेलवे के जो हैं वहां पर चिकित्सा के लिए जो क्षेत्र बनाए जाते हैं उनके हॉस्पिटल होते हैं वहां पर आपकी ड्यूटी होती है, डॉक्टरों की सहायता करने के लिए आपकी ड्यूटी वहाँ पर रखी जाती है, उनको सामान वगैरह पकड़ाने के लिए, दवाइयाँ वगैरह सप्लाई करने के लिए, इंजेक्शन वगैरह के लिए यहाँ पर आपका कार्य होता है। देखिएगा ट्रैक मेंटेनेंस की अगर बात की जाए, तो ट्रैक मेंटेनेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यदि आपकी जो ट्रैक है रेलवे की लाइन है वहाँ पर कहीं भी कार्य किया जाता है तो वो ट्रैक मेंटेनेंस के द्वारा किया जाता है, तो रेलवे जो लाइन है उनको सुधारने का कार्य किया जाता है, रेलवे लाइन को सुधारने का कार्य ट्रैक मेंटेनेंस के द्वारा किया जाता है। तो ट्रैक मेंटेनेंस की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पर नई पटरियों का काम होता है पुरानी पटरियों पर भी यदि कुछ क्षति होती है तो ट्रैक मेंटेनेंस उन्हें जो है सही करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क इनका माना जाता है, और ये पोस्ट यही कारण है कि रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत सबसे खराब पोस्ट में से एक मानी जाती है। बात की जाए हेल्पर वेल्डर और वर्कशॉप की, तो यहाँ पर आपको हेल्पर जो वेल्डर होते हैं या वर्कशॉप होते हैं या इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जिस भी तरीके के हेल्पर हो मैकेनिकल हो, उनकी जो ड्यूटी होती है वो वर्कशॉप के अंतर्गत होती है। वर्कशॉप में जाकर आपको कार्य करना होता है, इंजन के ऊपर आपका जो है यहाँ पर डिब्बे होते हैं ट्रेन के उनके लिए भी कार्य करना होता है, वेल्डिंग वगैरह का सिस्टम यहाँ पर जो है ये हेल्परों का काम होता है। बात की जाए फीटर की, तो फीटर का जो इंजन के अंतर्गत जो काम होता है इंजन के अंतर्गत सुधारने बिगाड़ने का काम इंजीनियरों की सहायता करते हैं, ये फीटर उठाने रखने सामान को एडजस्ट करने का काम होता है, तो इंजन को एडजस्ट करने का जो कार्य होता है वो होता है आपका फीटर का। देखिएगा पॉइंट मैन के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही ट्रेन किसी जंक्शन पर अर्थात किसी पटरी से दूसरी पट्टी पर भेजी जाती है तो ट्रेन का जो है रूट बदलने के लिए पटरी को जो है इधर से उधर किया जाता है, वो कार्य होता है पॉइंट मैन का। तो पॉइंट मैन का कार्य होता है पटरियों को बदलने का। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर मैन या स्विच मैन, तो लीवर मैन और स्विच मैन भी पॉइंट मैन की तरह ही कार्य करते हैं, यहाँ भी यह पटरियों से संबंधित ही कार्य करते हैं, स्विच या इसके माध्यम से कुछ जगह पॉइंट बने होते हैं वो आपने देखा होगा कि उस तरीके से जो है आगे पीछे खींच कर जो है पटरी को एडजस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ जगह स्विच और लीवर मैन की सहायता से अंदर से ही कंट्रोल हो जाता है जहाँ पर ट्रेन का आवागमन ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा जो काम में होता है वो स्विच मैन के द्वारा होता है पटरियों को बदलने का। हमाल स्वीपर और पोर्टर का क्या कार्य है, तो देखिएगा यहाँ पर सफाई स्टेशन के बाहर जो सफाई वगैरह करने का कार्य होता है वो होता है, सामान ढोने का कार्य होता है, सामान के लिए जो ढोने का कार्य होता है वो होता है, जैसे सरकारी दस्तावेज वगैरह आते हैं डाक विभाग या अगैरह वगैरह तो सामान ढोने का कार्य होता है, और रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जो सेवा करनी होती है पानी वगैरह के लिए अर्थात चाय पानी के लिए जो सिस्टम है बड़े अधिकारियों के लिए वो इनके द्वारा ही किया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं गैंगमैन की। तो गैंगमैन का कार्य होता है जहां भी आपका ट्रैक है उसको कुछ एरिया दिया जाता है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का, तो उसे ट्रैक पर घूमना होता है, देखना होता है कि ट्रैक का जो है कोई बोल्ट ढीला तो नहीं हुआ है। तो वो अपना जो सामान है एक झोले टाइप में लेकर के चलते हैं और हथौड़े वगैरह उनके पास होता है। तो ट्रैक को देखने का कार्य होता है, ट्रैक को देखने का कार्य इनका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पर सिग्नल। तो हेल्पर जो सिग्नल के लिए ये क्या कार्य होता है, देखिएगा आपने देखा होगा कि लाल बत्ती जल गई, पीली बत्ती जल गई, इस तरीके के सिग्नल आपको मिलते हैं। तो सिग्नल में यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कहीं पर बत्ती नहीं बलती है, तो सिग्नल का जो मेंटेनेंस करते हैं वो यहाँ पर हेल्पर सिग्नल के द्वारा किया जाता है। तो सिग्नल को देखने का कार्य इनका होता है, सिग्नल को सुधारने के लिए हेल्पर सिग्नल का कार्य यही होता है। अब बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर का क्या कार्य होता है, देखिएगा आपने देखा होगा ट्रेन जो है आपस में एक बोगी से दूसरी बोगी जुड़ी होती है, जिन्हें हम डिब्बे ही बोलते हैं। इस तरीके से ट्रेन के डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं, तो बीच में यहाँ पर यह जो डिब्बे को जोड़ने का कार्य करता है यह सेंटर के माध्यम से होता है। तो सेंटर का कार्य है बोगियों को जोड़ना, तो बोगियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है सेंटर। देखिएगा सभी पोस्टों के बारे में हमने आपको डिटेल से जानकारी दे दी है कि किस पोस्ट के लिए क्या कार्य है। अब बारी आती है कि किस पोस्ट को आपको चुना जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट कौन सी मानी जाती है। तो बेहतर सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है गैंगमैन की। तो नंबर एक पर आप गैंगमैन को चुनिए। केबिन मैन की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, हॉस्पिटल मेडिकल के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ये ट्रैक मैन और यहाँ पर गैंगमैन की पोस्ट काफ़ी ख़राब मानी जाती है, तो इन्हें आप सबसे लास्ट में चुनें। बाकी वर्कशॉप के कार्य की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और पॉइंट मैन और लीवर मैन के लिए भी अच्छा स्कोप है। बाकी सभी पोस्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जॉब का सवाल है, सैलरी अच्छी खासी है, तो आप इन्हें भी बाद में चुन लें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का हम अभिनंदन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।